पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों पर अत्याचार की नई तस्वीर आई सामने। सैकड़ों लोगों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर किया पथराव। हमलावरों ने ननकाना साहिब का नाम बदलने की दी धमकी। कई घंटों के उपद्रव के बाद तनाव बरकरार। इंशाअल्लाह ताला ननकाने का नाम बदल गया थी, गुलामाने मुस्तफा शहर का नाम रखेंगे। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी के बीच लौटने लगे पर्यटक, जाम और ठंड बनी मुसीबत। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भारी बर्फबारी के बीच स्कीइंग कार्निवल, 3 दिनों तक लगेगा पर्यटकों का जमावड़ा। वायनाड में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। तो मोहनलालगंज में सूखे कुएं में गिरा सांड, कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से निकाला गया। गुवाहाटी T20 के लिए भारत और श्रीलंका ने की प्रैक्टिस। 5 जनवरी को खेला जाएगा पहला मुकाबला। 3 मैचों की होगी सीरीज। ओपनर शिखर धवन की वापसी पर होगी सबकी निगाहें। सुस्त बल्लेबाजी के बाद चोट ने किया था पिछली सीरीज से बाहर। हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने बिकिनी में किया योग। इंस्टाग्राम पर योग करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो के बैकग्राउंड में ब्रिटनी के दोनों कुत्तों को देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।